ऑल राइट सो हेलो एवरीवन तो सबसे पहले तो सॉरी कि मेरी जो वीडियो है वो दो हफ़्ते बाद आ रही है क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग थे जो कि मैं धीरे धीरे करके कर रहा था और अभी ऑलमोस्ट सारे डन हो गए हैं तो so, इसलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो so, उसके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा और अब से इतनी डिले नहीं होंगी वीडियोस अब आपको इस वीडियो के थंबनेल से देख के पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो बनाया जा रहा हूँ अब वो है फर्स्ट मंथ एक्सपेंस इन कैनेडा अब मैं ये चीज़ मानता हूँ कि दूसरों के मुकाबले मेरा जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था फ़र्स्ट मंथ का जिसका मुझे अंदाज़ा तक नहीं था मेरे पास एक डायरी थी और उसमें मैं अपने जो फ़र्स्ट मंथ के जितने भी एक्सपेंस है वो लिखता रहा लिखता रहा और जब मैंने देखा महीने के लास्ट में टोटल करके तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन गई थी जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा थी अब आप कह सकते हैं कि ये एक मेरा नेगेटिव पॉइंट था क्योंकि मैं फ़र्स्ट मंथ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था और मुझे अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं उसका ध्यान तक नहीं रहा और उसके बाद मेरे जो एक्सपेंसेस थे बढ़ते रहे बढ़ते रहे और कंपायल होकर बहुत बड़ा एक्सपेंस आ गया था मेरे को फ़र्स्ट मंथ में क्योंकि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मैं ऑनलाइन स्टडी के दौरान मैंने ट्रैवल किया था तो काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स हो गई थी मेरे को जो कि पेंडिंग थी तो मैं उसको कर रहा था तो मेरे को उसका ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे एक्सपेंसिज इतने सारे जा रहे हैं अब मैं जब सेकेंड मंथ एंटर किया तब मैंने देखा कि जो फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ के जो एक्सपेंसिस थे सेम चीज़ों के वो मुझे सेकेंड मंथ के काफ़ी ज़्यादा कम लगे और मैंने काफ़ी ज़्यादा कम किए आप कह सकते हैं मिनिमम किए क्योंकि इसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि दो तीन बंदों ने मेरे को गाइड किया सेकंड मंथ में कि आप अपने जो मंथली एक्सपेंसेस है वो ऐसे ऐसे करके सेव कर सकते हैं तो मैं सोचा कि मेरे साथ जो मंथली एक्सपेंसेस का जो बैड एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट मंथ का वो आप लोगों के साथ ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप कैसे अपनी पैसे हैं वो सेव कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं इतना भी एक्सपीरियंस बना नहीं हूँ इधर फर्स्ट मंथ ही हुआ है अभी डेढ़ महीना हो गया मेरे को तो अभी जितना मेरे को नॉलेज मिली है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे कि आप इन सारी गलतियों को दोहराए ना सो हेर वी गो अब यहाँ का जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस है वो है आपका जो रूम का रेंट अब ये वेरी करता है आप कौन सी लोकेशन में रहते हो अब जहाँ पे मैं रहता हूँ उधर जो है रूम का रेंट मिनिमम है 350 एंड मैक्सिमम आप के ऊपर है कि आप कितना लेना चाहते हो यहाँ पे 1800 2000 दो के मिल जाते हैं पर स्टूडेंट्स के हिसाब से मैक्सिमम जाता है 450 और प्राइवेट रूम चले जाते हैं 700 तक तो मैं तो कहूँगा कि आप शेयरिंग में ही प्रेफ़र करें और अपना जो मंथली एक्सपेंस है जो कि आपका रेंट का होता है उसको आप 350 से 450 के बीच बीच में रखिए क्योंकि कोविड के वजह से जो रेंट है वो बढ़ गए हैं यहाँ पे कनाडा में इसलिए आप 350 से 450 के बीच में आपको एक अच्छा सा रूम मिल जाएगा शेयरिंग में तो आपका जो रूम रेंट है वो 350 से 450 के अंदर अंदर मांग के चलते हैं कि इतना होना चाहिए आपका रूम रेंट अब जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस है वो है आपका फ़ोन का बिल तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जो सिम है वो फ़ोन के साथ लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स में या फ़ोन के बिना लेते हैं अब मेरे हिसाब से आपको जो फर्स्ट मंथ के लिए या सेकंड मंथ के लिए जो अपने शौक है वो कम करके थोड़ा सा एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहिए क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप जैसे ही अपना स्कॉशिया बैंक में या कोई भी आपकी बैंक है उसमें अकाउंट खुलाते हो तो स्कॉशिया बैंक खास कर आपको दो हज़ार डॉलर देती है आपके जी में फ़र्स्ट मंथ में तो आप उसको ना ही यूज़ करें और जो आप अपने साथ फ़ॉरेक्स कार्ड या इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या एज अ कैश आप इंडिया से लाएँ पैसे तो आप उसको यूज़ करोगे अब वो चूँकि लिमिटेड ही होते हैं इसलिए इसके हिसाब से आपको फर्स्ट मंथ जो फ़ोन का जो खर्चा है वो 50 से या 60 से ऊपर नहीं करना चाहिए अब जो बच्चे आई ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स में या सैमसंग का फ़ोन ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स में सिम के साथ उनका जो मंथली एक्सपेंस है वो मिनिमम वन से वन तो ही जाता है Uh, जो कि आई थिंक नॉट वर्थ इट है अभी के लिए uh, बाद में आप जैसे ही पैसे कमाना शुरू करोगे आपकी पार्ट टाइम लग जाएगी तो आप ले सकते हो बट अभी के लिए सही नहीं है अब जैसे कि इंडिया में बी एस एन एल एयरटेल वोडाफोन जियो ये सब कंपनीज़ होती है तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी हैं वर्जिन है फ्रीडम है रॉजर्स है फाइडो है, है तो अब उनके भी अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं तो आप uh, मान के चलिए मिनिमम थर्टी फाइव डॉलर्स से लेके मैक्सिमम सेवेंटी डॉलर्स तक तो चले जाते हैं रॉजर्स का तो मेरी रिकमेंडेशन में आप थर्टी फाइव से लेकर कर सेवेंटी के बीच बीच में अपना जो फ़ोन का खर्चा है वो रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बार्गेनिंग की कोशिश करें क्योंकि आप मॉल या फिर कोई शॉप में जाते हो फोन की तो आपको बार्गेनिंग करके आपके पैसे जो हैं कम हो सकते हैं सो तो एट लास्ट आप ही को है उसका फ़ायदा अब जो थर्ड मेजर एक्सपेंस है वो है आपका ग्रॉसरी या फिर टिफिन अब ये बंदे बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको ग्रॉसरी करनी है और आके अपना खुद खाना बनाना है या फिर टिफ़िन लगवाना है तो अब मैंने ग्रॉसरी भी कर रखी है टिफ़िन भी लगवा रखा है तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है तो दोनों में आपको आ, बेस्ट रहेगा कि अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप बनाइए पर अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और आपको काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट भी करनी है पार्ट टाइम में भी जाना है अपने सारे काम करने हैं तो आपके लिए सही है कि आप टिफ़िन लगवा लीजिए क्योंकि उसमें क्या गर आपको गर्म करना होता है बस और खा लेना होता है और ज़्यादा कोई झंझट का काम नहीं है तो ग्रॉसरी में क्या होता है कि ग्रॉसरी में आपको ग्रॉसरी लेकर आनी पड़ी फिर घर में ला सब्ज़ी काटो फिर उसके बाद अपना मसाले वसाले तड़का लगाओ और खाना बना के फिर खाओ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और कुछ कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि रात को भिगोनी पड़ती हैं और फिर सुबह बनानी पड़ती हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चले जाता है तो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ लगवाते हो पर मेरे हिसाब से जो ग्रॉसरी है वो आप अगर खुद करते हो अकेला बंदा घर में करता है तो उसके मिनिमम 150 से लेके 180 तक का ग्रॉसरी का खर्चा आ ही जाएगा और फिर आप अपना जो खाना है वो बना सकते हैं बाकी जितने भी टिफ़िन सिस्टम्स हैं उसमें आपका जो मिनिमम प्राइस है वो वन ट्वेंटी से लेके कर वन एटी टू हंड्रेड टू ट्वेंटी तक चले जाता है वो भी काफ़ी अच्छी डील है क्योंकि इसमें आपको खुद नहीं खाना बनाना पड़ेगा बस गर्म करके खाओ तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी मन मर्ज़ी का खाना ला के खुद कुक करके फिर खाना है या फिर आपको टिफ़िन लगवाना है ये इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू अब जो फोर्थ एक्सपेंस है वो है आपका बस पास या बस का खर्चा तो यहाँ पे एक कार्ड चलता है ब्रैमटन जी रीजन में जो कि है प्रेस्टो कार्ड उसमें आपको लोड करवाने होते हैं पैसे अब इसमें आप ऑनलाइन भी लोड करवा सकते हैं प्रेस्टो कार्ड की ऐप से या फिर आप कोई भी बस स्टेशन या बस स्टॉप में जाके अपना जो प्रेस्टो कार्ड है उसको रीलोड करा सकते हैं पैसे दे तो अब जो मंथली एक्सपेंस है बस का वो मैं अप्रोक्सीमेटली लगा के चलता हूँ वन से वन के बीच में जो कि आपको बार बार कार्ड को लोड करवाना पड़ेगा आप जितना भी करवाना कराइए पर मेरी रिकमेंडेशन में आप 50 से 60 के ऊपर एक बार में ना कराइए क्योंकि गलती से आपका कार्ड मिसप्लेस हो जाता है तो फिर आपके जितने पैसे हैं सब डूब गए उसमें अगर यहाँ पे आपको मंथली बस पास बनवाना है जो कि आपके एक स्पेसिफिक रीजन के लिए होगा तो वो आपका रेंज करता है फ्रॉम 110 टू 130 के बीच में जो कि मेरे हिसाब से वर्थइट नहीं है क्योंकि आप अगर बस पास बनवाते हो तो आप 130 थर्टी डॉलर भी दे रहे हो या 140 या 120 जितने भी आपके एरिया के वो भी दे रहे हो और आप एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर ही अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो पर अगर आप कार्ड को लोड करवाते हो आपके 100 से 110 120 लग रहे हैं तो आप कोई भी सिटी ट्रैवल कर सकते हो ये नहीं कि स्पेसिफिक रीजन में आप बंधे रहोगे बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो काम है और जो आपका जो कॉलेज है वो एक ही सिटी के अंदर है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपना जो कार्ड है मंथली uh, पास है वो बनवा लीजिए क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना होगा तो आपका मंथली पास में uh, सब कुछ इंक्लूडेड हो जाएगा तो आप बस का एक्सपेंस मांग के चलिए कि मंथली बेसिस में 100 से लेके 130 के बीच में चले जाते हैं एंड अगेन इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना ट्रैवल करते हैं अब ये तो हो गए मंथली एक्सपेंस जो कि टिपिकल इंटरनेट स्टूडेंट्स के होते हैं पर फर्स्ट मंथ का जो फंडा है वो पूरा अलग ही है क्योंकि फर्स्ट मंथ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करनी होती है अब जैसे कि आप एक रूम है वो ले रहे हो तो आपको फर्स्ट मंथ उसका डबल पे करना पड़ेगा क्योंकि आपको फर्स्ट एंड लास्ट मंथ की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रख लेते हैं अब कुछ कुछ रूम है जो कि एजेंट के द्वारा दिए जाते हैं उसमें उनकी जो फ़ीस है एजेंट की वो भी आपको देनी पड़ेगी जो कि हिडन चार्जेस होंगे आपको पता नहीं चलेंगे पर वो एजेंट आपके साथ आपसे ले लेंगे एज ए फर्नीचर चार्ज हो गया कुछ भी हो गया तो उसके बारे में भी आप अवेयर रहना कि ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं इधर बट अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर और एलेबरेट कर करके बताऊँ तो जैसे अगर आपका सोच लो फोर हंड्रेड पर मंथ एक्सपेंस है तो आपको फर्स्ट मंथ 400 हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड इज इक्वल टू एट आपको उतना देना पड़ेगा जो कि आपका फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का हो जाएगा एक्सपेंस तो आपको लास्ट मंथ फोर हंड्रेड डॉलर्स देने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे दो टाइप के घर होते हैं जो बिना लीज का होता है जो लीज का घर होता है आपको सभी घरों में ये सिस्टम मिलेगा बाकी दूसरी बात रही कि आपको फ़ोन का बिल फ़ोन का बिल कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है जैसे कि जो फाइडो है वो आपको फर्स्ट एंड थर्ड मंथ का बिल एक साथ ले लीजिए फर्स्ट मंथ में जैसे कि अगर पचास डॉलर या छप्पन डॉलर का आपका फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस है तो आपको 56 सिक्स प्लस फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू वन इतने आपको लग जाएंगे फर्स्ट मंथ में तो ये कुछ कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट हैं जो कि आपको फर्स्ट मंथ देनी होती हैं इसकी वजह से जो आपको जो फर्स्ट मंथ का जो एक्सपेंस है बढ़ जाता है अब ये तो जितने भी चार्जेस मैंने आपको पहले बताया था ये तो आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये मस्ट चार्जेस है कम्पल्सरी हैं आपके लगने ही वाले हैं इतने फर्स्ट मंथ में बट जो अभी मैं दूसरे चार्जिज जो कि मिसलिनियस चार्जेस होते हैं जो कि बंदे बंदे के ऊपर डिपेंड करता है अब जैसे एक कोई बंदा है एग्जांपल रमेश है जिसको बहुत ज़्यादा घूमने का मन है तो उसके जो मंथली एक्सपेंसेस है थो थोड़े बढ़ जाएंगे किसी को खाने पीने का बहुत शौक है तो वो ए, उस मिसलिनियस छोटे छोटे खर्चे से आपके जो एक्सपेंसिज हैं वो बढ़ जाते हैं तो आप मंथली जो फर्स्ट मंथ का मिसलिनियस एक्सपेंस है वो पचास से साठ डॉलर एक्स्ट्रा मान के चल लीजिए और ज़्यादातर ये जो एक्सपेंस है वो खाने में जाता है क्योंकि किसी को टेम्पॉटेंस की फ्रेंच वनीलर अच्छी लगने लग पड़ती है फर्स्ट मंथ में तो वो रोज़ ही पीता है या फिर हफ्ते में दो तीन बार पी लेता है तो उससे उसके जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाते हैं तो आप पे ये छोटे छोटे एक्सपेंसिज़ हैं मिसलिनियस या फिर दूसरी बात कहें कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें चाहिए चीज़े, आपको चार्जर नया चाहिए आपको घर में माइक्रोवेव नहीं माइक्रोवेव चाहिए तो ये सब चीज़ें जो हैं एक्सपेंस बढ़ा देती हैं या फिर आपको जो घर में क्लीनिंग का सामान चाहिए कि अगर आपको खुद ही क्लीन करना है तो उसके लिए भी क्लीनिंग का सामान चाहिए क्योंकि आप जाहिर सी बात है इंडिया से तो लाओगे नहीं क्लीनिंग का सामान यहाँ पे आके डिटर्जेंट लोगे पोचा लोगे झाड़ू लोगे सब लोगे तो उसके भी आप एक्सपेंसिस मान कर चलीजिए जिसको हम लोग कह सकते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसिस पर जो आपका फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस है वो ज़्यादा होगा क्योंकि आपको रूम रेंट डबल देना पड़ेगा आपको जो आपके सिम का जो प्लान है वो डबल देना पड़ेगा उसके हिसाब से देखा जाए तो पंद्रह से सोलह के बीच में जो फर्स्ट मंथ का जो एक्सपेंस है वो बन जाता है जो कि आपको इतना ही रखना चाहिए अब मेरे से क्या गलती हुई वो मैं आपको बताता हूँ अब मैंने क्या किया मैंने आ, इंडिया से मैं लैपटॉप नहीं लेके आया था क्योंकि बहुत पुराना हो गया था और मैंने सोचा यहाँ पे आके लूंगा तो मैंने यहाँ पे आके काफ़ी महंगा लैपटॉप ले लिया और मुझे 800 से 900 डॉलर्स का पड़ा वो जो कि मैंने इंस्टॉलमेंट्स में नहीं लिया जो कि सबसे बड़ी गलती थी मेरी क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं अब वो पूरे साल के इंस्टॉलमेंट्स में वो साल भर पे करते हैं पूरा और महीने के उनको सौ दो सौ इतने एक्सपेंसिज आते हैं सौ मिनिमम आ जाते हैं तो मेरे से एक यही गलती हो गई थी जिससे कि जो मेरा जो फर्स्ट मंथ का जो एक्सपेंस था वो काफ़ी बढ़ गया था तो और मेरे से एक्सपेंस मैनेज नहीं हो पाया अब आपको कोई आइडिया लग गया होगा कि फर्स्ट मंथ के जो एक्सपेंस है वो सोलह से पंद्रह के बीच बीच में होते हैं तो आप अपने साथ उतना ही कैश लेके कर आएँ या उतने आप कार्ड में लेके आएँ जितना आपके फर्स्ट मंथ चल जाए और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो जी आई सी है अपनी सेव करें और जितना आप कैश लाए या फिर जितना आप कार्ड में लेके आए हो अपने साथ फॉरेक्स कार्ड हो गया इंटरेस्ट डेबिट कार्ड हो गया जो भी हो गया वो आप यूज़ करें अपने एज अ फर्स्ट मंथ एक्सपेंस में जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने की अब चूंकि ये बात आई गई थी कि कितना कैश लाना चाहिए अपने इंडिया से यहाँ पे जिससे कि आपका फर्स्ट मंथ सर्वाइव हो जाए तो अगर आपको लीगली लाना है तो वन थाउजेंड से लेके 10000 टेन थाउजेंड के बीच बीच में आप या फाइव हंड्रेड से लेके आपके जितने भी है मिनिमम से लेके मैक्सिमम 10000 टेन थाउजेंड के बीच में लेके आएं आएँ और ये सोच लें कि आप उसके साथ उसके जो रिसिप्ट हैं वो भी लेके आ जाएं क्योंकि बाय चांस इनकेस अगर किसी बॉर्डर ऑफिशल्स ने आपको इतने पैसों से देख लिया तो आपके पास एक वैलिड प्रूफ हो कि हाँ ये इलीगल कैश नहीं है ये मैं अपने साथ रिसिप्ट के साथ ला रहा हूँ बाकी अगर आपने एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आना है तो मेरे हिसाब से आप अपने साथ 1000 से लेके 1500, 1600 डॉलर्स तक लाएं उसको कन्वर्ट करके जितने भी रुपीज़ बनते हैं अपने साथ लाएं जो कि आपके फ़र्स्ट मंथ चल जाएंगे उसके बाद तो आपको फर्स्ट मंथ जी भी आती है तो गलती से आपके ज़्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं इससे तो आप जी से भी ले सकते हो पर आपके इतने ही रहेंगे फर्स्ट मंथ के एक्सपेंस और ये भी सोचना कि आप अपनी जो डीआईसी है वो बचा के रखें अपने अकाउंट में सो दैट्स इट एंड आई होप इट विल हेल्प यू सी यू सोम